आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ब्रीडर्स होते हैं वो इस फिश की ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं और कैसे जानते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग कैसे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें। आप देख रहे होंगे इसमें दो फिश डली हुई हैं, जो एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल अलग ही समझ आती है, जब वो ब्रीडिंग टाइम पे होती है तो उसके कलर जो होता है वो काफ़ी कलरफुल हो जाती है, और जो मेल होता है वो बार बार फीमेल को चेस करने लगता है, आगे पीछे होने लगता है, और जो फीमेल होती है वो काफ़ी फैटी होती है, काफ़ी मोटी और फैटी टाइप सी गोल होती है, और जो मेल होता है उसका साइज़ थोड़ा लंबा होता है फीमेल के हिसाब से, और जो इसके जो मीडियम होता है, मीडियम में जो फिन्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं जब ये ब्रीडिंग टाइम पे होते हैं, येलोएस दोनों नज़र आते हैं। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब ये तैयार हैं तो इन्हें अलग रख देना चाहिए, या बाकी मछलियों में तो हम मेल और फीमेल उसके फिन्स देखकर पता लगा सकते हैं, बट टिलफाइल बार एक ऐसी फिश है जिसके बारे मेल और फीमेल पता करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये दोनों मछलियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं ये मेल है, इसकी बॉडी को देखिए आप कैसी लंबी सी है, और इसका ये जो फिन्स है बीच वाला वो इसके ऊपर थोड़ा देखिए येलो येलो सा कलर दिखता है, मतलब ये अब ब्रीडिंग के लिए तैयार है, काफ़ी खूबसूरत है देखिए। और ये जो थोड़ी फैटी और मोटी और गोल मटोल दिख रही है ये फीमेल है, जो काफ़ी कलरफुल है, आप खुद देख सकते हैं इसकी बॉडी की चमक कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से आप मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखने लगेगा और काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो हमारे चैनल में आप जुड़कर ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।